नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं शिवांगी, चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को दिया गया ज्ञापन। राजस्थान राज्य के कोटा जिले में यूआईटी कार्यालय के बाहर दशा दूरी सूचक गारंटीज पर अवैध बैनर लगाने पर आम आदमी पार्टी कोटा बूंदी संभाग प्रभारी श्री नवीन पालीवाल के नेतृत्व में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के नाम नगर विकास न्यास सचिव राजेश जोशी को ज्ञापन दिया गया। जब तक अवैध बैनर लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज कर संपत्ति विरूपण एक्ट में नगर विकास न्यास कार्रवाई नहीं करता, तब तक क्रमिक अनशन चलता रहेगा एवं 29 अक्टूबर को नगर विकास न्यास के बाहर संपत्ति विरूपण एक्ट की प्रतियां जलाकर विरोध किया जाएगा। आप कार्यकर्ता द्वारा क्रमिक अनशन का आज 14वां दिन है। अनशन में नवीन पालीवाल, राजू मिश्रा, जितेंद्र शर्मा, राजेंद्र मीणा, जुगल परिहार, बद्रीलाल वैरवा आदि शामिल थे। ब्यूरो चीफ सोहन सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। आज हम फिर से यूआईटी कार्यालय आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और लगातार आज आप कार्यकर्ताओं के द्वारा जो यूआईटी कार्यालय के बाहर जो धरना दिया जा रहा है और धरने का 14वां दिन है और इनकी मांगे हैं कि दिशा सूचक जो होर्डिंग्स है, जो बोर्ड है, उस पर अवैध बैनर जो लगे हुए हैं। नवीन जी, आज आपने फैसला लिया है, आप हमेशा से कहते रहे, 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं शासन और प्रशासन से, और आपने जो जनसुनवाई में भी ये मुद्दा उठाया है, तो क्या प्रकरण है, मतलब क्या करने वाले? संभागीय आयुक्त को आप 2 दिन पहले ज्ञापन दे चुके हैं, आपको आश्वासन मिला, फिर आप आज ये स्टेप उठा रहे हैं कि यूआईटी सचिव है उसको भी एक बार अवगत कराएंगे, ज्ञापन दिलाएंगे, क्योंकि आप जो यानी संभाग का जो आयुक्त होता है, जो 4 जिले हैं यहाँ पर, तो 4 जिलों के जिला कलेक्टरों के बराबर एक, 4 कलेक्टरों के बराबर एक संभागीय आयुक्त को पावर होता है, आप उनको इस विषय से अवगत कराने के बाद जो पॉजिटिव जवाब क्या मिला, क्या नहीं मिला, और आज क्या सोचा आपने कि आप यूआईटी के जो सचिव है वापस से जो नीचे आ रहे हैं इनको अवगत करा रहे हैं? संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देने के बाद उनकी तरफ से हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि हम इसमें काम करेंगे, आप लोगों को इस आदेश की पूर्ति कराएंगे, लेकिन आज हम लोगों को बैठने, आज हम लोगों का अनशन का 14वां दिन है, लेकिन नगर विकास न्यास प्रशासन अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, तो आज हम नगर विकास न्यास सचिव के जरिए स्वशासन मंत्री श्री शांति धारीवाल जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो नगर विकास न्यास प्रशासन को आदेश करें कि राजस्थान संपत्ति विरूपण एक्ट के तहत इन पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन अब रोडों पर लड़ा जाएगा, जहां भी गेंट्रीज पर फोटो लगी हुई दिखेंगी वहां पर मुंह काला किया जाएगा, उनको फाड़ने की कोशिश की जाएगी। प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये हमको बता दीजिए। सर, सुनने आए हैं सर, ज्ञापन के बाद में आपसे जानना भी चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा क्या कारण है जो कार्रवाई नहीं हो रही है? हम सिर्फ राजस्थान संपत्ति विरूपण एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कोटा के अंदर जो अवैध होर्डिंग्स है, होर्डिंग्स पे जो लग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कंपनी के अवैध है या नहीं? यदि कोई भी अवैध होर्डिंग लगता है तो उस पर नियमित रूप से न्यास द्वारा कार्रवाई की जाती है। नहीं, अभी एक भी नहीं लग रहा आज की तारीख में, कहीं भी नहीं लग रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा प्रेजेंट में, नहीं, अब कहीं लगेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, पहले भी की गई है। और हमारे पास सारे एविडेंस है, तो सर यूआईटी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा सर? बिल्कुल नियमित रूप से कार्रवाई कर रहा है और आगे भी करेगा। ठीक है सर, एक मिनट, स्थानीय विधायक जो बर सिंह जी है यहाँ पर, जो कोटा जिले से, और रामनारायण जी मीणा है पीपल्स विधायक, और जिला कलेक्टर के द्वारा भी जो यातायात सड़क आर समिति की जो बैठक हुई थी उसमें भी डिसीजन दिया गया और आदेश जारी हुए, उसके बावजूद भी सर वो उन आदेशों को नियमित रूप से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और उन्हीं के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, तो 14 दिन हो गए अभी तक नहीं है।